हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर है आज का। हमारा टॉपिक होगा ग्रुप 15 एलिमेंट्स और उनकी जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। शुरू करते हैं एक छोटे से चार्ट और टेबल के साथ। इनका मतलब नाइट्रोजन फैमिली से होता है। नाइट्रोजन फैमिली को जब टॉप से बॉटम की ओर लिखते हैं तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है और मॉस्कोवेनियम, जो कि एकदम न्यूली डिस्कवर्ड है, जिसकी केमिस्ट्री एस्टेब्लिश करनी बाकी है, हम उसकी बात करेंगे ही नहीं। वैसे भी किसी भी ग्रुप में, जैसे ग्रुप 15 है, हमें इस ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो कंपाउंड्स बनेंगे, इसका प्रोडक्शन होगा, उसके बारे में बात करनी है, बाकी के बारे में हमें बात नहीं करनी है। बट जब हम किसी ग्रुप को पढ़ते हैं तो उसके कॉमन कैरेक्टर्स, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, मतलब कि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 है, यानी इलेक्ट्रॉन 33 होंगे। बिल्कुल, अब आप कन्फर्म हो रहे हैं ना, ठीक है। इसी तरह से एंटीमनी 51, बिस्मथ 83। उसके बाद एटॉमिक मास की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14.01, ओके, यूनिट्स। इसी तरह से फास्फोरस की बात करें तो ये 30.97। आर्सेनिक की बात करें तो 74.92। एंटीमनी की बात करें तो 121.75 और बिस्मथ की बात करें तो 208.98। ये कुछ डेटा है जो आपको याद करने ही पड़ते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन फैमिली है वो ग्रुप 15 है और पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से। 13, 14, 15, कौन सा नंबर है? ये नंबर है 3, यानी इसमें जो पी ऑर्बिटल होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, p3। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पी ब्लॉक में। इसमें 3 है, यानी जस्ट हाफ है, एग्जैक्टली हाफ जिसको कहते हैं। कोई भी ऑर्बिटल जब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है तो ऐसे एलिमेंट्स ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं इन कंपैरिजन टू देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, नियर बाय ग्रुप्स, है ना, अगल बगल के जो भी नियर बाय ग्रुप्स हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नाइट्रोजन में क्या हो गया, He, दैट इज हीलियम, 2s2 2p3। आप देख रहे हो p3, यानी एग्जैक्टली क्या है, हाफ फिल्ड है, तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से यहाँ पे नियॉन की बात करें तो ये फॉस्फोरस है नियॉन, ठीक है, यानी नियॉन के बाद, नियॉन के एटॉमिक नंबर के बाद और कितना जोड़ना है भाई, 2 3s2 3p3। यहां भी देखिए सब में वही होगा, सेम कॉमन कैरेक्टर होगा, एक ग्रुप में एक जैसा कैरेक्टर, ओके। सो इट इज व्हाट, 3s2 एंड 3p3। एस टू का मतलब कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, एस ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आ ही सकते हैं, है ना। देन आर्सेनिक की बात करिए तो ये हो गया आर्गन। देन अब डी ऑर्बिटल भी यहां पे शुरू होता है तो 3d10 4s2 3d10 4s2 एंड 4p3, तो यहां पे हो जाएगा ये 4p3। कॉन्फ़िगरेशन भी आपने 11th में बहुत प्रैक्टिस किया है इसलिए बहुत इजी लग रहा होगा। देन एंटीमनी क्रिप्टन 4d10 5s2, अब 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5p3, ये हो जाएगा 5p3। क्लियर है ना, सबके पी ऑर्बिटल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, आप देख लीजिए, यानी एक ही जैसा कैरेक्टर, अप्रोक्सीमेटली एक जैसा कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए इनको हम ग्रुप कहते हैं या फैमिली कहते हैं। एक फैमिली के मेंबर लगभग एक जैसे कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। बिस्मथ की बात करें, ये हो गया ज़ेनॉन, 4F14
then 5D10, 6S2, 6P3. 6P3. ठीक है, कंफर्म हो गया, वेरी गुड। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब भी हम बात करेंगे तो किलो जूल पर मोल के हिसाब से ही इसमें एंथैल्पी फ्री होगी, यानी डेल्टा आई एच। किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, निकाल कर उस एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी यूज हो या खर्च हो, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। याद रखेंगे कि जो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एक कॉमन टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा कम होगा, जबकि सेकंड और थर्ड जो होंगे वो हमेशा ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे साइज, एटम के साइज भी डिपेंड करता है कि एटम का साइज छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो और कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बड़ा है तो हो सकता है थोड़ा कम एनर्जी खर्च करनी पड़े। अब आपको कॉमन प्रॉपर्टी पता ही है, पूरी पीरियोडिक टेबल की कॉमन प्रॉपर्टी क्या, कि जब टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो एटम की साइज बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, ये याद रखेंगे। एटम की साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। अब एटम की साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी चेंजेस आएंगे, उसी तरह से आएंगे जैसे कि उसकी साइज में डिफरेंसेस आएंगे। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ली है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। ये तीन हमने लिया है। अब ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 है, इसमें नाइट्रोजन की बात कर लें तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा 1402 किलो जूल पर मोल, 1402 किलो जूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मान लीजिए कि जो बचे इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन और बढ़ गया, यानी न्यूक्लियर इफेक्ट और स्ट्रांग हो गया। अब इलेक्ट्रॉन निकलना और भी मुश्किल है, लेकिन अगर हमें और निकालना पड़े तो और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, जस्ट टू टाइम्स। ये 14 है, यहाँ 28 हो गया है ना, दो गुना एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें नाइट्रोजन की, तो वो होती है 2856, और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो है 4577 किलो जूल पर। मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर, फॉस्फोरस की ओर। मैंने बताया था जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, सबसे टॉप पे कौन नाइट्रोजन, उसके नीचे कौन फॉस्फोरस, इसी तरह से ये सीक्वेंस में अरेंज है। यहाँ पे लेफ्ट से राइट लिखा है, बट इसको आप ऊपर से नीचे कर सकते हैं क्योंकि ये रियल में वैसे ही होते हैं। तो जैसे जैसे जाएंगे साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी तो एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1402 था, जबकि फॉस्फोरस का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1012 है। बहुत कम हो गया ना, लगभग 400 कहें या 390 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी कम खर्च करनी पड़ रही है और आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें फॉस्फोरस की, तो 1903, और थर्ड की बात करें तो ये कंपैरेटिवली आप चेक कर सकते हैं, आधे से भी कम हो जा रहा है, लगभग 2910 के आसपास हो जा रहा है, मतलब सीधे 40% लेस होता ही जा रहा है, और धीरे धीरे ये और कम होता ही जाना चाहिए, एक नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए यही। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगा, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ती है। क्लियर हो रहे हो ना, गुड। आर्सेनिक की बात करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें 947, सेकंड की बात करें 1798 किलो जूल पर मोल, थर्ड की बात करें 2736 किलो जूल पर मोल। एंटीमनी की बात करें तो इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 834 किलो जूल पर मोल, और सेकंड की बात करें तो 1595 किलो जूल पर मोल, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो 2443 किलो जूल पर मोल। बिस्मथ की बात करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 703 किलो जूल पर मोल,
जबकि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें 1610 किलो जूल पर मोल, जो कि इससे थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है, वो आपको आपने 11th में पढ़ा होगा, शील्डिंग इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, नाउ थर्ड की बात करें तो वहाँ भी थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो इसीलिए हो रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, है ना। तो ये हो जाता है क्या 2466। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, मैंने आपको फिर से समझाया कि ऊपर से नीचे जाने पे साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है 3.0, ये नाइट्रोजन की है। इसके बाद आप स्टेप वाइज देखते चले जा रहे हैं, ये इससे कम है, यानी फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, देन आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से भी कम है 2.0, देन एंटीमनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी कम है ना भाई, आर्सेनिक से भी कम है 1.9, और बिस्मथ और एंटीमनी ये लगभग इक्वल है। ये समझ में आ रहा है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक इसी तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे भी डिफरेंस आएगा भाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या डिफरेंस आता है, ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के नंबर और साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो भी आगे शिफ्ट होता जाएगा, यानी बढ़ेगा। साइज छोटा होगा टेम्परेचर कम, यानी कम एनर्जी खर्च करके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पर लाया जा सकता है किसी भी चीज़ को, है ना, उसकी जो मेल्ट होने की पॉइंट है या बॉइल होने की पॉइंट है उस पर लाया जा सकता है। तो क्योंकि हमको पता है कि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर नाइट्रोजन है, सबसे छोटा शेप, सबसे छोटा ऑर्बिट उसका वो डायमीटर होगा उस एटम का, फिर धीरे नीचे नहीं आएंगे, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे उस एलिमेंट के एटम्स का जो रेडियस होगा, एटॉमिक रेडियस होगा, वो बड़ा होता चला जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर मूव करने पे, यानी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए ये है मेल्टिंग पॉइंट और ये है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन का है 63, जबकि बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 केल्विन की ही बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद फास्फोरस की बात करें, 63 से ये सीधे बढ़ गया, आप देख रहे हैं 317, तो इसके लिए आप सिंबल भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, यस ये सीधे ऐसे बढ़ गया, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। देन आर्सेनिक की बात करें, ये भी सीधे बढ़ गया 1000, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1089 और बॉइलिंग पॉइंट है 888। ठीक है, अब एंटीमनी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो आर्सेनिक से कम होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट्स। ठीक है, साइज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन्स होते हैं अब यहाँ पे इस तरह का, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, आगे की बात करें तो ये फिर से और कम हो गया, है ना, ये समझ में आ रहा है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ सिंबल्स, इससे आपको कंपैरिजन करने में बहुत इजी होगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी की मेल्टिंग पॉइंट देखें तो इस पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, आर्सेनिक की। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी है, एंटीमनी की, है ना। ये कंपेयर करना होता है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा इसके। ठीक है, तो इस चार्ट को आप लोग जरूर याद रखेंगे। बात रही डेंसिटी की, तो डेंसिटी इधर से इधर यानी टॉप से बॉटम पे जाने पे बढ़ता ही बढ़ता है, इसका कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं है। जैसे नाइट्रोजन की डेंसिटी 0.8 के आसपास रहती है, फिर फास्फोरस की बात करें 1.823 होती है, उसके बाद आर्सेनिक की बात करें तो 5.778 होती है, उसके बाद एंटीमनी की बात करें तो 6.697 होती है, और बिस्मथ की बात करें तो 9.808 होता है। तो डेंसिटी बढ़ता ही है, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी में कभी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो सिंपली बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ हम ग्रुप 15 को समझ सकते हैं, उनकी एक कॉमन टेंडेंसी को समझ सकते हैं। अब
इसके बाद जिस पार्ट में हम एंटर करेंगे वो है कि इस पूरे ग्रुप 15 का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में उसी को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।